हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो दे विच बच्चे असी 9th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इधर विच बच्चे असी 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो यूनिट 9 दे विच बच्चे 1 मार्क्स है, थोड़ा सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन ही आएगा। सो लिमिटेड क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगर बच्चे सी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे साडे मार्क्स किते नहीं जाएंगे। सो स्टार्ट करांगे असी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो। सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चे देख लेने हैं। वीडियो के एंड विच बच्चे तुहानू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएगा जिहड़ा तुसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जिहड़ा उहनू कवर करना है। उहदे नाल बच्चे तुहाडी मार्क्स एक तां स्पीड बन जाएगी, दूसरा यह है कि तुहानू पेपर के अंदर पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और असीं किन्ने टाइम के विच जिहड़ा अपना पेपर है कंप्लीट करना है। ठीक है जी। सो चलो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार देख लेने हैं, पर क्वेश्चन स्टार्ट होने तो पहला वीडियो नू लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो। सो बच्चे असीं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने हैं। वट फैक्टर्स डिटरमिन द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ अ मैटल, कि फैक्टर्स आ जड़ी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी मैटल की जड़ी आ हो सकते, फैक्टर्स केड़े हो गए। फैक्टर नंबर 1 की है, डिपेंड करता होना चाहिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन्ने, दैन देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थ्रू द मैटल ऑन द अपलाइड द फील्ड, फील्ड मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने किन्नी दे रहे हैं। सैकेंड क्वेश्चन नंबर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वट इज फर्मी लैवल एंड अ फर्मी एनर्जी। बच्चे अलग अलग क्वेश्चन आ जाते होंगे 1 मार्क्स के अंदर, वट इज फर्मी लैवल एंड वट इज फर्मी एनर्जी। ध्यान ना समझ लो लैवल और एनर्जी दे विच की फर्क है। इन एनर्जी बैंड सानू पता बच्चे एनर्जी बैंड हुंदे आ अलग अलग कंडक्टर दे, अलग मैटल्स दे, अलग सेमीकंडक्टर दे अलग। द हाईएस्ट एनर्जी लैवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, दिस इज 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लैवल एंड इट्स एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। ध्यान देख लो बच्चे, जिहड़ा एनर्जी लैवल ऑक्यूपाई करेगा हाईएस्ट एनर्जी लैवल 0 डिग्री केल्विन दे उपर उन्हों फर्मी लैवल बोलते हैं, और जो एनर्जी यूज होएगी दैट इज फर्मी एनर्जी। नाउ वट इज फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप तो बच्चे तुहानू पता है एक वेलेंस बैंड हुंदा और एक कंडक्शन बैंड हुंदा, दोनों दे विचकारला जो भी गैप होएगा दैट इज फॉरबिडन गैप। नेक्स्ट आ Why in N-type semiconductor of germanium so called? So N-type semiconductor दे विच असी germanium ही उन्हों क्यों बोलते हैं? So N-type semiconductor दे अंदर बच्चे electrons are the majority carriers हुंदे हैं, which are responsible for the conduction, जड़ा की responsible हुंदा है conduction दे लई। So बच्चे इद्दा दे questions आ जड़े important आ, what is doping is a most important question। डोपिंग हुंदा की चीज आ, जदों असी किसी प्योर सेमीकंडक्टर दे अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड कर दिंदे आ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेलीबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, या सिंपल अपनी लैंग्वेज दे विच लिख सकदे आ, व्हेन इंप्योरिटी इज एडेड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन जड़े आ, तुसी 1 मार्क्स दा क्वेश्चन जड़ा कोई भी स्किप करके नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट आ वट इज इफेक्ट ऑफ राइज इन टेंपरेचर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। हुण अगर असी टेंपरेचर इनक्रीज कर देंगे तो बच्चे कॉपर नू की होएगा ते सिल्वर नू की होएगा। सो जिहड़ी कॉपर है बच्चे वह डिक्रीज, उहदी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, और सिलीकॉन की जो कंडक्टिविटी होएगी वह की हो जाएगी, इनक्रीज कर देगी। वट इज होल्स बच्चे, बाकी सारे क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेने, कोई भी क्वेश्चन जो तो स्किप करके नहीं जाना। वट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनर्जी बैंड जिहड़ा बच्चे एन टाइप पी टाइप है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये थोड़ा 1 मार्क्स का क्वेश्चन जिहड़ा आ पुछया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चे पी टाइप आ गया, पी टाइप का जिहड़ा तुसी आ डायग्राम ड्रॉ करनी आ। सो बच्चे ये सारे क्वेश्चन रीड आउट करने आ तुसी, देन पी एन जंक्शन विद फॉरवर्ड वाइज, पी एन जंक्शन विद रिवर्स वाइज। सो इदा दे क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके ना करना है। देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दा बच्चे कोई स्ट्रक्चर बना के आना है इंट्रंस एन टाइप सेमीकंडक्टर दा। सो बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, जिहड़ियां डायग्राम्स तुसी केयरफुली आ कर लेनियां। बच्चे बहुत लिमिटेड जे क्वेश्चन है और रिपीट होणगे, सो ध्यान ना करना। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वट डू यू मीन बाय द डिप्लेशन रीजन इन अ पी एन जंक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज अ थिन लेयर फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एन सेक्शन एंड डिव्यूट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चे डिप्लेशन लेयर जिहड़ी आ तुसी अपनी लैंग्वेज दे विच भी लिख सकते हैं कि डिप्लेशन लेयर एक्चुअल दे विच की हुंदी है, जिहड़ी पी एन जंक्शन हुंदा बच्चे पूरा बॉक्स बनता, उहदे सेंटर दे विच जिहड़ी आ एक लेयर बन जाती है, जिहड़ी इमोबाइल चार्जिस दी लेयर हुंदी है, दैट लेयर इज नोन एज अ डिप्लेशन लेयर।
नेक्स्ट एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड दे विच का डिफरेंस दसना, थ्री एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर, आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई सेमीकंडक्टर आर डॉप्ड, सेमीकंडक्टर नू डॉप्ड क्यों बोलिया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की है, पोटेंशियल बैरियर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चे क्वेश्चन जड़े आ बहुत अच्छे तरीके प्रिपेयर करके जाने हैं। जिनर डायोड इज ऑलसो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनर डाउन ब्रेकडाउन ऑलसो इंपॉर्टेंट। सो बाकी क्वेश्चन बच्चे एक बार जड़े रीड आउट कर लेने। नेक्स्ट आ जाओ सोलर सैल, बच्चे सोलर सैल इदा के क्वेश्चन घट आते हैं, बट तुम स्किप कोई भी क्वेश्चन जड़ा है नहीं करके जाना। क्वेश्चन नंबर 62 आ बच्चे, थोड़ा नी वोल्टेज की है, दैन पी एन जंक्शन डायोड के रैक्टीफायर क्यों यूज करते हैं एक्सैक्ट्रा। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ बच्चे, कोई भी क्वेश्चन जरा स्किप करके नहीं जाना। हूँ आप एक बार देख लें दिनेश की बुक के क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन या कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो बच्चे दिनेश की बुक के क्वेश्चन कर जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ बच्चे, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिनेश का क्वेश्चन बच्चे स्किप करके नहीं जाना। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होल्स एनर्जी बैंड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, मेटल्स तुसी सारे अच्छे तरीके ना प्रिपेयर करके जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर, दिस इज अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ डज द एनर्जी गैप इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरीज व्हेन डॉप्ड विद अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अगर असी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो जो एनर्जी गैप है बच्चे रिड्यूस हो जाता। सो आंसर पूछा गया सी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ राइज इन टेंपरेचर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन। 17th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ, 18 एंड 19 दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे फर्मी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके दे नाल तुसी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे बच्चे क्वेश्चन पूछे गए आ। सो किस तरह की इंप्योरिटी असी ऐड करांगे, पी टाइप बनेगा, ट्राईवेलेंट होएगा, पेंटावेलेंट होएगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे घुमा फिरा के आ सकते। नेक्स्ट बच्चे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। सो इदा दे क्वेश्चंस बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो आप कोई भी क्वेश्चन बच्चे स्किप करके नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कदों होल्स ज्यादा होणगे तां जिहड़ी रेशो आ ओह किदां दी होएगी। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ। फॉरबिडन गैप इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे इस तरीके नाल डायग्राम जिहड़ी आ ड्रॉ करनी आ जाती आ कि एन टाइप की बनाओ, पी टाइप की जिहड़ी डायग्राम आ तुसीं प्लॉट करनी आ। सो इस तरीके के जिहड़े क्वेश्चंस है ओह इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज जिनर डायोड, वट इज जिनर डायोड वोल्टेज। बच्चे ये दो पहले दो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तुम जस्ट एक बार जोड़े आ रीड आउट कर लेने। नेक्स्ट आ राजे, वट इज फोटो डायोड, इट्स यूज सिंबल जरा आ जिनर डायोड का पूछा जा सकता। वट इज LED, दैन कितने कितने यूज होंगे। बच्चे सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो बच्चे 9th यूनिट का जो सिलेबस आ, तुम एक बार सिलेबस जरूर चैक कर लेना कि जोड़ा है थोड़े सिलेबस के अंदर आएगा और क्वेश्चन जोड़े आ 1 मार्क्स के वो कि टॉपिक्स के आ सकते हैं। सो सिलेबस तो बाद बच्चे असं टेस्ट स्टार्ट कर जा रहे हैं। यूनिट 9th का बच्चे 8 मार्क्स का टेस्ट है और टोटल जोड़ा है 15 मिनट के अंदर तुम यही अपना टेस्ट जोड़ा है कंप्लीट करना। सो टोटल 8 क्वेश्चन है। What do you mean by doping? Doping की है मतलब कि definition लिखनी है। What is an acceptor type semiconductors? हुन बच्चे इतने लिखा हुआ acceptor type semiconductors। It means कि हुन तुसी ध्यान ना बच्चे पढ़िया होएगा कि ये पी टाइप है या फिर एन टाइप है, मतलब कि या तो पी टाइप की डेफिनेशन लिखनी है या फिर एन टाइप की सैमी डेफिनेशन लिखनी है। सो ध्यान ना बच्चे अपने कंसैप्ट क्लीयर करने हैं, दैन ही थोनू जी क्वेश्चन जोड़े आ क्लीयर होणगे। नेक्स्ट आ वट इज अ पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन की है। दैन वट इज LED, बच्चे LED की है वो जी तुम फुल फॉर्म लिखनी है, जो फुल फॉर्म लिखा उतों सूँ क्लीयर हो जाएगा। नैक्सट आ कैन वी मैजर द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पी एन जंक्शन बाई पुटिंग अ वोल्टमीटर अक्रॉस इट्स टर्मिनल, कि असी पी एन जंक्शन बैरियर जोड़ा आ पी एन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर मैजर कर सकते हैं अगर असं वोल्टमीटर वो अक्रॉस लगा दिए। सो यस या नो दे आंसर होएगा, नाल थानू रीजन जोड़ा आ दसना पेगा कि क्यों होएगा। नैक्सट आ वट इज द विथ ऑफ द डिप्लेशन रीजन। सो बच्चे ये 1 वर्ड आंसर आ, मतलब कि मैथमैटिकली तुसी इहदा आंसर लिखना है। नैक्सट इज वट इज फर्मी लैवल।
सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन, जिहड़ा डिप्लेशन रीजन हुंदा बच्चे उहदी विड्थ किन्नी हुंदी है, मोटाई किन्नी हुंदी है, वन वर्ड आंसर है, तो मतलब तुसीं सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन लिख दोगे भी इन्नी इहदी कह लो विड्थ हुंदी है, आंसर जिहड़ा है करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट है, व्हाट इज़ द फर्मी लैवल एनर्जी, फर्मी लैवल एनर्जी की है, हार्डली जिहड़ा दो लाइनस दे विच तुहाडा आंसर आ जाना चाहिए है। लास्ट वन इज नेम द टू सबसटांसिज हूज कंडक्टिविटी इनक्रीजिज विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, किसी भी दो सबसटांसिज के नेम लिखो जिन्हों का टैंपरेचर कंडक्टिविटी टैंपरेचर इनक्रीज करन दे नाल कंडक्टिविटी इनक्रीज हो जाती है। सो बच्चे पूरा टेस्ट जिहड़ा है तुहाडा 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे वन मार्क्स के क्वेश्चनस है, सो बच्चों आफ्टर टेस्ट कई बार ये आंसर नहीं मिलते, सो मैं थानू आंसर इस वीडियो दे विच ही प्रोवाइड कर देंगी। सो अगर तुसी ईमानदारी ना टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो नू इत्थे ही बंद कर दिओ, क्वेश्चनस नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जिहड़ा अपना टेस्ट आ राजे अपना बैठ के साइड पर लिख सकते हैं, 15 मिनट बाद जिहड़ी वीडियो आ दोबारा ऑन कर लेना, जिदा ही वीडियो ऑन करोगे तो तुसी अपने आंसर चैक कर सकते हैं और अपना टेस्ट जड़ाया चैक कर सकते हैं। सो इस तो पहला वाली जड़िया वीडियोज़ बच्चे मैं अपलोड कीतियाँ उस वीडियो के क्वेश्चन के नाल जड़ा मैं आंसर प्रोवाइड नहीं किए, बट डिफिकल्टी आ रही है कि बच्चे अगर मैं वीडियो बाद विच भी अपलोड कर दिनी हूँ तो उन्होंने आंसर नहीं मिल पा रहे, वीडियो नहीं मिलती या तुसी कॉन्शियसली नहीं देखते दे, सो सम थोड़ी जी प्रॉब्लम्स आदि। सो वन मार्क्स के क्वेश्चन आ, सो मैं थोड़ा नाल ही आंसर दे रही हाँ। सो आई होप हूँ तक तुम आंसर लिख ले होंगे, सो हूँ तुम बच्चे अपने आंसर जड़े आ चैक कर सकते हैं। फर्स्ट आ, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग, डोपिंग की चीज़ है, इंप्योरिटी एडेड इन अ प्योर सेमी कंडक्टर आर नोन एज डोपिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सेप्टर टाइप सेमी कंडक्टर, एक्सेप्टर टाइप सेमी कंडक्टर कहे आ पी टाइप सेमी कंडक्टर, सो पी टाइप सेमी कंडक्टर जोड़े आ मेजोरिटी कैरियर ये होंगे पॉजिटिव। दैन पी एन जंक्शन की आ, तो पी एन जंक्शन के बच्चे जी वर्डिंग अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि वैन पी रीजन एंड एन रीजन आर सैपरेटली सैपरेटड बाय अ डिप्लेशन रीजन इज नोन एज अ पी एन जंक्शन। नैक्सट आ एल ई डी की फुल फॉर्म की है, लाइट अमिटिंग डायोड। नैक्सट ये सी कि डिप्लेशन रीजन नू असी मैजर कर सकते हैं अगर असी वोल्टमीटर उहदे क्रॉस लगा दिए, तो नो देर इज़ नो फ्री कैरियरस इन द डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन बच्चे कोई भी फ्री कैरियरस नहीं होंगे, सानू पता इमोबाइल चार्ज कैरियरस होंगे, मतलब जोड़े मोबाइल चार्ज कैरियरस हिल नहीं सकते, देयर फोर इट इज़ नॉट पॉसीबल टू मैजर द पोटेंशियल बैरियर यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर की हैल्प के नाल असी बिल्कुल भी यूज़ इनू मैजर नहीं कर सकते। नैक्सट सी बच्चे डिप्लेशन लेयर की विर्थ किन्नी होंगी, 10^-6 मीटर होंगी है। नैक्सट आ बच्चे क्वेश्चन नंबर थोड़ा आया 7th क्वेश्चन आ कि फर्मी लैवल की है, दैन किसी दो सबसटांसिज के नेम लिखने से जिदी कंडक्टिविटी इनक्रीज हो जाती है टैंपरेचर के नाल, दैट इज़ जर्मीनियम एंड सिलीकॉन। आई होप बच्चे थोड़ा टेस्ट अच्छी तरीके दे नाल थोड़े मार्क्स आ गए होंगे, अगर तुसी टेस्ट ईमानदारी ना दिता है तो कमेंट सैक्शन के मार्क्स जरूर दस देना कि किदा दा मार्क्स होया, किदा दा टेस्ट होया और किन्ने टाइम दे विच तुसी टेस्ट कवर किया। सो जाते जाते वीडियो नू बच्चे लाइक जरूर कर देना, मैक्सिमम शेयर कर दियो, अगर चैनल पर फस्ट टाइम आए हो या बहुत बार आ चुके हो बट हले तक असी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर दियो। थैंक यू सो मच।